A mutual fund is an investment company or trust. It pools the resources of thousands of its shareholders or unit holders and invest on behalf of these diversified securities and a cross-section of companies to attain the objective of the investor, which in turn achieve income or growth or both. म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम से समझेंगे इसको. इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, पुल देयर मनी विद फंड मैनेजर के पास, अपने पैसे को लगाएंगे. अब फंड मैनेजर फर्दर उसको इन्वेस्ट करेगा किस में, सिक्योरिटीज में. और फिर सिक्योरिटीज से क्या जनरेट होगा, रिटर्न्स. एंड फिर वो रिटर्न्स पास बैक टू इन्वेस्टर्स. क्या समझ आ गया? अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया फर्स्ट म्यूचुअल फंड वॉज स्टार्टेड इन 1964 व्हेन यूटीआई मींस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड. डेफिनेशन करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1966 डिफाइन म्यूचुअल फंड एज अ फंड एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट टू रेज मनी through the sale of units to the public or a section of public under one or more scheme for investing in securities including money market instrument. We know that जो definition होती है ना उसको हम inverted comma में लिखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो definition है वो यूँ क्यों लिखनी होती है, right? तो उसको learn करने के लिए हमने क्या किया, छोटे छोटे parts में उसको divide कर दिया ताकि हमें easily learn हो सके, right? देखो हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड के मैंने क्या किया, म्यूचुअल फंड एज अ फंड एस्टैब्लिश इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट. क्यों एस्टैब्लिश किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट टू रेज मनी, कैसे, थ्रू द सेल ऑफ यूनिट्स टू द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ पब्लिक अंडर वन और मोर स्कीम फॉर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बहुत जल्दी.